बिहार की रुपौली सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और इसी रुपौली की विधायक रही बीमा भारती को आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से टिकट दिया था। बीमा को जिताने के लिए तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तेजस्वी 5 दिन तक पूर्णिया में ही रहे, कैंप करके बैठ गए। वहीं अब बीमा भारती विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन टिकट के ऐलान से पहले हत्या के फेर में फंस गए हैं बीमा भारती के बेटे। यानी पुलिस कल बीमा भारती के घर गई, तलाशी लेने पहुंची। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें। पहली तस्वीर सुबह की है, जब बिहार की पूर्व मंत्री और आरजेडी की नेता बीमा भारती अपने बाहुबली पति अवधेश मंडल के साथ लालू यादव से मिलने पहुंची थी। दूसरी तस्वीर दोपहर की है, जब पटना में बीमा भारती के घर पुलिस की टीम हत्या के मामले की जांच के लिए पहुंच गई। अब सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी को समझिए। ये तस्वीर मंगलवार सुबह की है। लालू यादव से मुलाकात के बाद बीमा भारती ने दावा किया कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में वो खुद या उनके पति अवधेश मंडल आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। सिंबल मिलेगा, निकलेंगे घर लेके। एकदम मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि पूर्णिया में आप लोग ऐसे लोग देखिए, लोकसभा और विधानसभा में धरती आसमान का फर्क होता है। दूसरे दल से आए थे तो लोग को कंफ्यूज हो गया। ये ऐसा हार जीत तो लोग को लगा रहता है राजनीति में, तो राजनीति करना थोड़े छोड़ देंगे। हमारा परिवार में हम लड़ेंगे, चाहे हमारा पति लड़ेंगे। इसके बाद बीमा भारती जब घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद बिहार पुलिस की टीम भी यहां पहुंच गई। पटना के जिस विधायक फ्लैट में बीमा भारती रहती हैं, वहां पूर्णिया जिले की पुलिस बीमा के बेटे और पति की तलाश में पहुंच गई। पूर्णिया पुलिस ने घर में तलाशी ली, लेकिन दोनों में से कोई यहां नहीं मिला। बीमा भारती पुलिस वालों पर गुस्सा दिखाती हुई कैमरे में कैद हुई। और सरकारी आवास में घुस गए, आप ऐसे आ गए अचानक, जांच कीजिएगा, जाएगा थाना, कुछ जांच कीजिएगा। महिला है और सरकारी आवास में घुस गए, क्यों इस तरह से कर रहा है प्रशासन? हाँ, थाना जाएगा, जहाँ थाना है भवानीपुर जाएगा, वहाँ थाना में पूछताछ। बाद में पुलिस की टीम जब घर से चली गई, तब बीमा भारती ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आर्यन से बात की। धरा धर फोर्स अंदर घुस गया, तो हमको लगा कि फोर्स कैसे घुस गया अंदर, भाई क्या बात है? तो हम पूछने लगे, तो बोला कि नहीं, पूछ जांच करना है। किसको? तो अवधेश मंडल को। कौन केस वाला में? बोले पूछना जांचना है तो भवानीपुर थाना जाएगा, जहाँ थाना है वहाँ हम आज जेबे करेंगे, घर भेज देंगे थाना पर, पूछ जांच करिएगा। बेटे को भी खोज रही है? मेरा बेटा को जो है कि उसको जो है फंसा दिया। एक सप्ताह पहले जो है इलेक्शन के, एक सप्ताह बचा था तो उसका बेल हुआ। चुनाव लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे, चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के ही तो ये दशा हो रहा है। बीमा भारती आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार की सरकार और पुलिस उनके परिवार को फंसा रही है। असल में बीमा भारती के बेटे राजा का नाम सुपारी देकर हत्या कराने के मामले में सामने आया है। आरोप है कि 2 जून को पूर्णिया में कारोबारी गोपाल यादुका की हत्या हुई। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि बीमा भारती के बेटे ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई। अब पूर्णिया पुलिस बीमा भारती के बेटे के साथ ही पति अवधेश मंडल की भी तलाश में जुट गई है। खुलेआम मर्डर हो रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है, हम लोग आवाज उठाते हैं। पोस्टमार्टम शायद हम दोनों माए बेटा दोनों गए हैं भवानीपुर में, हजारों लोग के संख्या में वहाँ पर भेंट करके हम आए हैं। सुबह 11 बजे के आसपास बीमा भारती पति अवधेश मंडल के साथ राबड़ी निवास के बाहर दिखी थी, लेकिन इसके बाद अवधेश मंडल गायब हो गए। अवधेश मंडल का अपराध से पुराना नाता है, इलाके में दबंग और बाहुबली की छवि है। अवधेश का जेल आना जाना लगा रहता है। रुपौली सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को है। 21 जून तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव की मांग है कि रुपौली में कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। हम चाहेंगे कि इस चुनाव से मैसेज जाए कि ये सेमीफाइनल चुनाव था और चंदा चौकड़ी लोग अब खत्म हो गए। सेमीफाइनल की आपने बात की, क्या सेमीफाइनल में आपके बैट्समैन उतरेंगे क्या रुपौली में? अच्छे लोग होंगे तो पप्पू यादव अच्छे लोगों के साथ तो खड़ा रहता ही है। हम चाहेंगे कि यहाँ यदि गठबंधन उतारे तो कांग्रेस को। वैसे सीट पर महागठबंधन से पिछली बार लेफ्ट का उम्मीदवार मैदान में उतरा था, तो दावा लेफ्ट की तरफ से भी किया जा रहा है।
बीमा भारती इस सीट से जेडीयू से लगातार जीतती रही हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती ने पार्टी और विधानसभा से दोनों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो लोकसभा चुनाव लड़ी लेकिन बुरी तरह से हार गईं। हारने के बाद एक बार फिर से आरजेडी से वो टिकट मांग रही हैं, जबकि जेडीयू कलाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, एक उपचुनाव को लेकर भी बिहार में किस तरीके की सियासी सरगर्मी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।